नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। लहेरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीर पहाड़ी मोहल्ले में छापेमारी कर अपराध की योजना बनाते 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 नाबालिग हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा, 8 कारतूस, 5 मोबाइल, ताला तोड़ने का औजार, रेती और चोरी के 2 बाइक को भी बरामद किया है। जो अपराध कर्मी है, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी लंबा आपराधिक इतिहास है। गहराई से इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस ग्रुप में अन्य सदस्यों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके संबंध में भी हम लोग अनुसंधान में कार्रवाई करेंगे। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं सर लोग? ये अंतर जिला ग्रुप के ये लोग सदस्य हैं, जिसमें गया के हैं, नवादा के हैं, नालंदा जिला के मानपुर थाना क्षेत्र, दीपनगर थाना क्षेत्र, राजगीर थाना क्षेत्र, छबीलापुर, मतलब ये गैंग के सदस्य हैं। लोग क्या सर स्टूडेंट वगैरह हैं क्या सर? नाबालिग लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे ये लोग शहर में इत्यादि रहते हैं। मोटरसाइकिल चोरी, छिंदौरी, लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मोतिहारी शहर में 2 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के नगर भवन में आयोजित 2 दिवसीय इस महोत्सव के पहले दिन देश के ख्याति प्राप्त गायकों ने अपने सुरों की गंगा बहाई। लोग कजरी, लोकगीत व गजल के त्रिवेणी में गोता लगा रहे थे। गजल और अदब के जाने माने फनकार उस्मान मीर के गायकी ने लोगों को बांधे रखा। राजद विधायक अमर पासवान ने भूमिहीनों की समस्या को देखते हुए सरकारी भूमि का आवंटन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भूमिहीनों को मंथली कैंप लगाकर हर महीने भूमिहीनों को चिन्हित कर 3 डिसमिल जमीन के रूप में बासकी पर्चा दिया जाएगा, जिसको लेकर रविवार को भी मुजहरी ब्लॉक परिसर में पहला कैंप लगाया गया, जहां बोचहा के राजद विधायक अमर पासवान ने दर्जनों लोगों को 3 डिसमिल जमीन का की पर्चा दिया। एक्चुअली प्राथमिकता के स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी लोग बास भूमिहीन जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए स्वीकृति मिली हुई थी, वैसे 22 भूमिहीन लोगों को आज गृह स्थल योजना अंतर्गत बास गीत पर्चा उपलब्ध कराया गया। आगे भी ये जारी रहेगा? जी हाँ, आगे भी जारी। कैसे चिन्हित करते हैं? एक्चुअली पूर्व से ही एक चिन्हित सूची है जो प्रखंड कार्यालय में है, उसी सूची के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिस इलाके में लोग रह रहे हैं उसी इलाके में दे रहे हैं कि और इलाके में? प्राथमिकता के तौर पर उसी इलाके में, लेकिन यदि उस इलाके में उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो वैसी स्थिति में हम लोग बगल के पंचायत में उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। जी आज तकरीबन 22 लोगों को बास्केट पर्चा दिया गया है। 2 पंचायतें मिला करके तरौरा गोपालपुर और आपको रहुआ पंचायत के लोगों को बास्केट पर्चा दिया गया। जो बचे हुए उसका क्या होगा? जी, जो बचे हुए हैं उन्हें चिन्हित करके हम लोग आगे इस योजनाओं पे हम लोग उनको जो भी लाभुक हैं उनको दिलवाया जाएगा, बंदोबस्ती कराई जाएगी। और मैं हर महीने ऐसे CO साहब से बात हुआ है, हर महीने के तौर पे इनको कोई ना कोई पंचायत का बास्केट पर्चा बांटने का हम लोग लक्ष्य रखेंगे। एक दरिंदगी की खबर समस्तीपुर से सामने आई है, जहां समस्तीपुर के सैदपुर गांव में 13 वर्षीय बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया बल्कि उसके गुप्तांग को भी काट दिया गया। दरिंदों ने उस बच्ची का गला दबाकर उसे फेंक दिया। परिजनों ने जब खोजबीन की तो बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। वहीं चंदा इकट्ठा कर बच्ची का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस खबर की सूचना मिलने पर भाकपा माले के कल्याणपुर प्रखंड सचिव दिनेश कुमार और पूसा प्रखंड सचिव अमित कुमार ने परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। क्या घटना है आपके बच्ची के साथ? हमारा बच्ची का ये घटना है कि जो देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहे थे, हम तो देखे नहीं, और जैसे हमारा बच्ची का मुंह मूछ कर ले गया
तब हमको बच्ची जब वहाँ से आया, हम लोग खोजने गए हैं, तो गए थे दूसरी बच्चा का खोजने को ले, मगर हम देख रहे हैं तो मेरा अपना बच्चा है, ये बच्चा का कैसे हुआ है। तो बाद में उसको हम उठा पुठा कर लाए हैं, सदर यहाँ 5-6 को मेडिकल में भर्ती किए, सब एक फर्क कर दिया। नहीं तो अभी उसको आपको देखने से लगा, उस बच्ची का जो ट्रीटमेंट चल रहा है का मुजफ्फरपुर में चल रहा है ट्रीटमेंट? हाँ, मुजफ्फरपुर। आपको उसके इलाज के क्रम में देखने से क्या लगा कि उस बच्ची के साथ रेप करके, बलात्कार करके मारने का प्रयास किया गया है? हाँ, रेप करने का प्रयास भी चाह के उसको मारने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से वो लड़की किसी को पहचान ली होगी, बलात्कार करने वाला परिचय का लोग होगा, इसी के लिए जो है सो उसको मारने का प्रयास किया। अभी तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? अभी कोई कार्रवाई, अभी कोई आवेदन आपने दिए हैं? आप पहले बच्ची का इलाज करा रहे हैं? हाँ, इलाज। निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा और भाकपा माले आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा आपको न्याय दिलाने के लिए। आप गरीब हैं और यहाँ आप आए हैं, पूरे इलाके में आप लोगों को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किड्स जोन एंड एलिमेंट्री स्कूल द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कार्यक्रम का आयोजन रुकनपुरा स्थित द रेड गार्डन कम्युनिटी हॉल में किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत स्कूल के निदेशक अनिल कुमार और प्राचार्या प्रतिमा सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों और शिक्षिकाओं ने गणपति बप्पा आ रहे हैं गणेश वंदना की दमदार प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। आज जो चिल्ड्रंस डे मेरे स्कूल में मनाया जा रहा है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का बर्थडे लोग याद रखने के लिए चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, वो बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा ही उनका एक अलग तरह का अट्रैक्शन था, बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे, वो कितना भी बिजी रहते थे फिर भी वो बच्चों के लिए टाइम तो जरूर निकालते थे, तो उसी चीज़ को याद रखने के लिए बच्चे भूले नहीं तो चिल्ड्रंस डे मनाते। आज मेरे स्कूल में चिल्ड्रंस डे के अवसर पे मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स, जैसे एक लकी डिप गेम था, बच्चों के लिए गिफ्ट है, मेरे स्कूल के म्यूजिक टीचर बच्चों के लिए स्पेशली गाना गाए, डांस टीचर डांस किए, मैजिक शो है, कुछ डॉक्टर्स जो आकर के बच्चों को इन फ्यूचर हेल्थी कैसे रहना है उसके बारे में कुछ बताए जाता कि वो बच्चे फॉलो करें और वो इन फ्यूचर अपने आप को सही रखें। आज ये फंक्शन जो रखा गया था बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं बच्चा को यहाँ पे डालने का एक ही उद्देश्य था कि ऐसे का कि इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो या बाकी बच्चों के साथ। आज ऐसा का बहुत सारा मतलब ऐसा फंक्शन किया करवाते हैं स्कूल। तो आज के दिन जैसे संडे का दिन था, हम लोग फ्री रहते हैं, हम लोग को भी ऑफिस छुट्टी रहता है, तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। और ये मैजिक शो जो हुआ, जो अवार्ड सेरेमनी जो हुआ, तो इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा मेरा बच्चों को या हम लोग को और आगे मतलब इसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। एक्चुअली प्ले स्कूल घर के बाद पहला स्कूल होता है। मेरे स्कूल में हर एक्टिविटीज़ जैसे दीपावली, दुर्गा पूजा, जितने भी पूरे साल का फेस्टिवल है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को हम लोग बताते हैं। उसके लिए आज से बच्चों को अवार्ड भी दिया गया, जो गार्जियन काफ़ी सपोर्टिव होते हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, उनके लिए अभी अवार्ड दिया गया है। तो इससे क्या हम लोग करवा करके ये ऐसे प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे अपने कल्चर को नहीं भूले, उस चीज़ को याद रखे, उस चीज़ को याद रखते हुए आगे बढ़े कि मेरा कल्चर क्या है। नेहरू जी के जन्मदिन पे नेहरू जी को याद रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे डांस है, प्रोग्राम है, एक्टिविटी भी बहुत अच्छा है स्कूल में, बहुत सही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये बच्चों के लिए किड्स जोन के तरफ से गिफ्ट है और इसमें बच्चों को काफी पसंद होता है बबल्स, एक्चुअली स्लाइम, बच्चों के लिए एक पेंसिल है, इरेजर शार्पनर है, खाने के लिए टॉफी चिप्स फ्रूटी बहुत सारा कुछ है जो बच्चे एक्चुअली पसंद करते हैं, जो किड्स जोन की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चे काफी एक्साइटेड है एक्चुअली बबल्स के लिए।
अच्छा है, बच्चों के लिए एक्साइटिंग है। और सीनियर डे के नाम पे हम हर हमेशा तो टीचर डे मनाया जाता है धूमधाम से, बच्चों का क्या भी एक खास दिन होता है जो मनाना बहुत अच्छा है और अच्छा अरेंजमेंट है। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा बच्चों में विकास होता है, वो मतलब नए नए चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, कोई प्रोग्राम को इंजॉय करते हैं और कुछ जानते हैं, मतलब कुछ जानने का इच्छा ये होता है, इसलिए ये सारे प्रोग्राम बहुत मतलब बच्चों लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स टू ऑल टीचर्स फॉर डेवलपिंग आवर चाइल्ड फ्यूचर फॉर द बेटर, और बहुत अच्छा था प्रोग्राम, बहुत अच्छा था। मधुबनी के बेनीपट्टी के बेतौना पंचायत स्थित राइस मिल परिसर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति के प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन मुखिया लीला देवी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर बीडीओ ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा को वर्गीकृत कर इकट्ठा किया जाएगा, इसके प्रबंधन के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना की गई है जहां कचरों का निपटारा किया जाएगा। एक गाड़ी होगी, मोटर व्हीकल होगी जो आपके वार्डों के कचरे को एकत्रित करेगा और ये सारा कचरा एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो आबादी जो बसावट से जरा दूर का इलाका है वहां चिन्हित किया गया है, वहां इसको फिर छांटा जाएगा और अलग अलग चैंबर्स में इन कचरों को डाला जाएगा। जो कचरा बायोडिग्रेडेबल है वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस कचरे को जैसे प्लास्टिक है और अन्य चीजें हैं उनका अगर रिसाइकलिंग संभव है तो प्रोसेसिंग यूनिट के तहत वो रिसाइकलिंग होगी। सहरसा जिले के बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के बनमा मोड़ के समीप पटना से आई एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ टीम एवं बनमा ओपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बनमा मोड़ के समीप बाइक सवार दो हथियार तस्करों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 2 मोबाइल व 2 बाइक पुलिस ने बरामद किए हैं। ये वनमा थाना क्षेत्र में हथियार तस्कर का एक ग्रोह हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए आ रहा है, तो वनमा थाना अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर की गिरफ्तारी की। क्या सब बरामद हुआ? 5 पिस्टल है और 10 मैगजीन। ये दोनों अपराधी कहाँ के रहने वाले? ये दोनों अपराधी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि दोनों अपराधी खगड़िया के चौथम थाना के, और पूछताछ के दौरान और भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिस सुराग के बुनियाद पर दूसरी जगह भी छापामारी की जा रही है और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी तुरंत शीघ्र की जाए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज़। नमस्कार।